नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 16 जनवरी शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर जिले के बन्नार थाना क्षेत्र में ज्वेलर की दुकान में रात 2:15 बजे चार चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। चोरों ने दुकान में रखी 1.25 किलो चांदी व 30 ग्राम सोना चुरा लिया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस ने बताया कि सुरेंद्र ने रिपोर्ट दी है कि उसकी भोपालगढ़ रोड पर ज्वेलर्स की दुकान है। रात में अज्ञात चोर उसकी दुकान में घुसे और वहां से 1.25 किलो चांदी व 30 ग्राम सोने के आभूषण चुरा ले गए। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कोटा जिले के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में घोसी मोहल्ला में पत्नी द्वारा पति का गला दबाए जाने की जानकारी सामने आई है। पति को अचेत अवस्था में MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि घर पर ही पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हाल ही में व्हाट्सएप कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मचे बवाल के बीच व्हाट्सएप ने घोषणा की है कि उसने अपने नियोजित गोपनीयता अपडेट को स्थगित कर दिया है। कंपनी ने कहा कि लोगों के बीच गलत सूचना पहुंचने के कारण गोपनीयता अपडेट को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले नई पॉलिसी को लेकर फेसबुक के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप अपनी सफाई दे चुका है। व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कहा है कि इससे दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ होने वाली निजी चैटिंग प्रभावित नहीं होगी। व्हाट्सएप ने कहा था कि नई पॉलिसी सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए है। व्हाट्सएप ने ट्वीट करते हुए कहा है कि यूजर्स के चैट पहले की तरह एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। राजधानी जयपुर में शनिवार की सुबह 22 गोदाम सर्किल के पास एक मिनी बस पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के वक्त मिनी बस में 8 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों को मामूली चोटें आईं। गोदाम सर्किल के पास स्थित MGF मॉल के सामने यह हादसा हुआ, जिसमें चालक और परिचालक की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर बस के अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। फिलहाल थाना पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। पाली के खिमवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के खेलड़ी गांव में गत दिनों शादी की नियत से युवती को अपहरण करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गत 12 जनवरी को खेलड़ी गांव से शादी की नियत से 3 युवक कार लेकर आए और युवती को फिल्मी स्टाइल में अपहरण कर भाग गए थे। पुलिस ने पीछा कर सोमेश्वर बूसी हाईवे से युवती को बरामद कर लिया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुरेश निवासी बिजोवा के साथ उसके दोस्त रसूल काठात व कैलाश काठात को गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर शहर में चोरी की बढ़ती वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। सूने मकानों के साथ ही बंद पड़े स्कूलों व दुकानों को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। देर रात चोरों ने राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र के रामराज नगर में कर्नल सुरेंद्र सिंह के मकान से सोने की एक चेन, अंगूठी, LED व बाथरूम में लगे 4 गीजर और कैमरों को तोड़कर DVR भी ले गए। इसी तरह सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में बोलनाडी निवासी घनश्याम के घर से सोने की अंगूठी, 2 चांदी की छड़े व 10,000 रुपये नकद चुरा कर ले गए और महामंदिर थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल से इंटरनेट डोंगल व मिड डे मील के बर्तन चुरा कर ले गए। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में आपसी लेन देन के चलते कुछ बदमाशों ने एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मृतक कमलेश पुरी बसावा का रहने वाला था। पकड़े गए आरोपी राजेंद्र मंडीवाल, राजू मंडीवाल व मनोज टाइल मुड़ोता गाँव के रहने वाले हैं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी और मृतक के बीच लंबे समय से आपसी लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपियों ने मृतक कमलेश को जोशी मार्ग पर पकड़ लिया, जहां पर मारपीट की और बाद में कार में पटक कर महेशवास में ले गए, जहां पर फिर मारपीट की। कोटा शहर में 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में एक युवती व युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों ही मामलों में कोई सुसाइड नोट नहीं मिले। बोरखेड़ा पुलिस ने बताया कि जय हिंद नगर निवासी 31 वर्षीय दीपक ने अपने कमरे में फांसी लगा ली और विवेकानंद नगर निवासी 31 वर्षीय नेहा ने भी पारिवारिक कलह के चलते फांसी लगा ली। पुलिस ने दोनों मामलों की जाँच शुरू कर दी है।
राजधानी जयपुर में कार चालकों को बातों में उलझाकर मोबाइल लूटने वाली गैंग सक्रिय हो गई है। परकोटे के चांदपुल व जौहरी बाजार में चोरों ने तीन अलग अलग जगह पर कार चालकों को बातों में उलझाकर मोबाइल लूटकर ले गए। पीड़ितों ने कोतवाली व माणक चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित विपिन गोयल ने बताया कि चांदपुल बाजार में किसी युवक ने गाड़ी की सीट ने उनका मोबाइल चोरी कर लिया। इसी तरह रवि कुमार की कार से भी मोबाइल चोरी हो गया और संदीप पुनिया के साथ भी इसी तरह से चोरों ने मोबाइल चोरी कर लिया। कोटा की न्यायालय पोक्सो क्रम 3 ने छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी हरीश महावर को 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी हरीश महावर फरियाद हुई कि लड़की का स्कूल जाते हुए पीछा करता था और छेड़छाड़ करता था। अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों के बयान करवाए थे। पश्चिमी विक्षोभ, हिमपात और हवाओं के रुख के कारण प्रदेश में सर्दी का असर बरकरार है। मौसम विभाग ने शनिवार को चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट दिया है। साथ ही अगले 4 दिनों तक इन जिलों में घने कोहरे की स्थिति भी जताई है। शुष्क मौसम और उत्तर पश्चिम की हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अगले 3-4 दिन तक न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान सर्द हवाएं बढ़ सकती हैं। कोल्ड डे की स्थिति में रात के साथ दिन में भी सर्दी का एहसास बना रहेगा। घने कोहरे के कारण दृश्यता 500 मीटर से कम हो सकती है। महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक महिला की हत्या के आरोप में 30 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि व्यक्ति और उस महिला के बीच संबंध थे और उसने महिला की हत्या कर उसके शव को अपने फ्लैट की दीवार में चिनवा दिया था। महिला की हत्या पिछले वर्ष अक्टूबर में की गई थी। उसका कंकाल वनगांव के पास स्थित आरोपी के फ्लैट में बरामद हुआ। आरोपी ने 32 वर्षीय महिला को मौत के घाट उतार दिया है क्योंकि वह उस पर शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। आरोपी के महिला के साथ 5 साल से संबंध थे। महिला अंतिम बार 21 अक्टूबर को आरोपी के साथ नजर आई थी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.